Hi friends, this is Krishna, and in today's session we are going to study about the short stories Ever Such a Nice Boy, which is written by the great poet William Plomer. Keep watching this video till the end because it is very interesting story. Mujhe umeed hai aapko bahut pasand aayega. This is the picture of William Plomer. You can see here, okay? This is something important points about the writer William Plomer, and you can see here, or you can take the snapshot of this picture. Hi friends, so let's start this chapter, and I hope you will enjoy this chapter because it is a very interesting story. The story is that of a young mad Edith who helped out Major and Mrs. Trumbull Dykes in managing their household. Okay, before starting this chapter, I would like to just give the main character of this story, okay? Now, the first one is the Edith, who is the working girl, okay? And the second one is the Major Trumbull, and the third one is the Mrs. Dykes. And Major Trumbull is the husband of Mrs. Dykes, okay? And here the Freddie is the husband of the Edith, okay? Now, let's see what happened in this story. In this story, she is narrating the event that fell into the place before she met her husband Freddy. इस स्टोरी में जो एडिथ है, means she is trying to narrate all the incident, all the events, means before she met her husband, okay? Means अपनी पति से, अपने हस्बैंड से मिलने के पहले के जितने भी घटनाएं हैं उसको सारा इस स्टोरी में प्रस्तुत करना चाहती है एडिथ. ओके, नाउ द एडिथ रिकॉल दैट फ्रेडी एंड सी डिड नॉट कैम फ्रॉम द सेम प्लेस. एडिथ ये भी बताने की कोशिश करती हैं कि एडिथ और उनके पति फ्रेडी वो मीन्स दोनों सेम प्लेस से बिलोंग्स नहीं करते हैं. ओके, एंड एडिथ कम फ्रॉम द प्लेस नियर द ग्लू सिस्टर इन इंग्लैंड वेयर सी वर्क फॉर द मेजर एंड मिसेस ट्रम्बुल डिग्स. एडिथ बताती हैं कि वे ग्लू सिस्टर से बिलोंग करती हैं, ओके, जहां वो मेजर और मिसेस ट्रम्बुल डिग के लिए काम करती हैं. नाउ मिसेस डिग वॉज लाइक ए सेकेंड मदर टू द एडिथ. एडिथ इज कंसिडरिंग द Mrs. Dykes as a second mother. Do you know why? Because she is more caring, okay, and she is also the very supportive and loving lady. Okay, now she also had a real and the caring mother whom she considered the best. Edith ki ek maa hai, okay, aur wo bahut caring hai. She considered the best. The major suffered from the rheumatism, okay. द मेजर जो है, ठीक है, तो रूमेटिज्म से ग्रसित होते हैं. सो फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दिस रूमेटिज्म? ओके, देर इज अ पेन इन द जॉइंट एंड द मसल्स, दैट इज नोन एज द रूमेटिज्म. ओके, मीन्स द इन सिंपल हिंदी गठिया. ओके, एंड ऑफन नेग्ड अबाउट द प्लेस बींग डैम्प. जो मेजर हैं वो गठिया से ग्रसित होते हैं और उनको वेटी प्लेस, जो जहाँ पे नमी होती है, जो जिस जगह में, वो बिल्कुल पसंद नहीं. ओके, ही ऑलवेज एडवोकेटेड दैट दे मूव टू डेवनशायर. ओके, वो हमेशा हिमायत देते हैं कि हम लोग मूव करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे डेवनशायर में. सो वी विल नाउ सी द नेक्स्ट. ओके, मिसेस डिक हैड वांटेड एडिथ टू अकंपनी देम व्हेन दे मूव्ड. मिसेस डिक चाहती हैं कि एडिथ भी उनके साथ जाए जब वो मूव करेंगी. एडिथ वाज स्केप्टिकल ऑफ द मूविंग अवे फ्रॉम हर होम एंड हर मदर. एडिथ जो है अपने घर और अपने मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो बचती. बट हर मदर परस्यूटेड हर टू गो सीटिंग अ गुड होम एज द रीजन. लेकिन उनकी माँ एक अच्छे घर का रीज़न बताकर उन्हें समझाती हैं, उन्हें राजी करती हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर सेंट ऑफ बाई ट्रेन. मिसेस डिक जो हैं अपने सारे सामानों को ट्रेन के द्वारा भेज देती हैं. ओके, द रेस्ट ऑफ द पैक इन द कार लाइक द जिप्सी डू. और जो बचे हुए सामान होते हैं अपने कार के द्वारा ले जाती हैं.
During the long journey, Edith fell sick, but had her embarrassment that she felt. लंबी यात्रा के दौरान एडिथ जो है बीमार पड़ जाती हैं, लेकिन वो अपने अपने अनकंफर्टेबलनेस को छिपाती हैं। द हाउस दे वर इन वन जस्ट आउटसाइड पैगिंटन, ओके, पैगिंटन इज द प्लेस, ओके, वहाँ से कुछ कुछ ही दूर पे उनकी घर होता है, ओके, एवरीथिंग बिंग न्यू वाज इजी टू क्लीन, सारी चीज़ें जो नए होते हैं बहुत ही आसान होते हैं साफ करने में। हाउएवर एडिथ बिगेन टू फील होम सिक एज शी वॉज जस्ट अ किड देन। ऑब्वियसली अगर किसी भी चिल्ड्रेन को उसके घर से कहीं दूर ले जाया जाता है तो वो स्टार्टेड मीन्स ही वॉज स्टार्टेड फील होम सिक, ओके, लाइक दैट हियर ऑल्सो द एडिथ वॉज स्टार्टेड फीलिंग होम सिक एंड शी वॉज मिस्ड हर मॉम एंड हर होम, ओके, मिसेस डिक सिंपेथाइज विद हर विच मेड हर फील मोर मिजरेबल। मिसेस डिक थोड़ा यहाँ हमदर्दी दिखाती है, दया दिखाती है एडिथ पे, सो शी आस्क एडिथ टू स्टे विद देम टिल द एंड ऑफ द मंथ। एडिथ से वो मिसेस डिक पूछती हैं कि क्या तुम इस मंथ के लास्ट तक रह सकती हो। द मेजर वॉज द सोर्स ऑफ द ऑल ट्रबल फॉर द मिसेस डिक। मिसेस डिक के लिए सारी प्रॉब्लम का रूट मेजर ट्रम्बुल होते हैं। ही वॉज इम्पल्सिव इन अ नेचर। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इम्पल्सिव? मीन्स ही विल नॉट थिंक टू मच अबाउट द एनी थिंग्स, ही विल टेक द एनी डिसीजन सडनली, ओके। देयर मैरिज वॉज नॉट अ ब्लिसफुल वन। उनकी मैरिज लाइफ सुखद नहीं होती है। द फ्रिक्शन इन द रिलेशनशिप वॉज इविडेंट सिंस दे लिव इन द सीपरेट बेडरूम। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि उनकी रिलेशनशिप किस हद तक अच्छी थी, बिकॉज दे लिव इन द सीक्रेट बेडरूम। एडिथ रिकॉल अ स्ट्रेंज हैपनिंग व्हेन शी वॉज प्रिपेयरिंग हॉट बटर टोस्टेड फॉर द मेजर एट द टी टाइम। एडिथ जब मेजर ट्रम्बुल के लिए ब्रेड पे बटर लगाती हैं तब उनके साथ कुछ स्ट्रेंज होती हैं। द मेजर कैच होल्ड ऑफ द एडिथ प्लेफुली। जो मेजर ट्रम्बुल हैं तो एडिथ को मजाक से पकड़ने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू स्टॉप हीज एडवांस एडिथ हिट हिम विद द हॉट टोस्टिंग फोर्क सी फेल्ड इन हर हैंड्स एंड बर्नड हिज हैंड। ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है एडिथ को, तो एडिथ मेजर को रोकने के लिए हॉट टोस्टिंग फॉक से उन्हें हिट करते हैं मेजर के हाथ में, ओके। नाउ सी वॉज अफ्रेड ऑफ द थिंग्स मिसेस डिक वुड एज्यूम हैड सी सीन इट हैपनिंग बिफोर हर आईज। एडिथ बहुत ही घबरा जाती है, बहुत ही डरी हुई होती है कि अगर अगर मिसेस डिक जानेंगे तो क्या सोचेंगी, ओके। नाउ मिसेस डिक रिटर्न फ्रॉम हर शॉपिंग स्प्री, सी थॉट दैट द मेजर हैड इंजर हिमसेल्फ वाइल मूविंग द लैंड एंड वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ द पेन। जब मिसेस डिक शॉपिंग से वापस आते हैं अपने घर तो वो सोचती हैं मेजर को देख के कि उनकी उनके उनके हाथ को देखकर सोचती हैं कि ये इंजर हो गए होंगे वाइल मूविंग इन द गार्डन, ओके। नाउ एंड ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ द पेन। दर्द के मारे वो उदास है, ओके। नाउ एडिथ डिड नॉट फील राइट टू टेल हर अबाउट द ट्रूथ। एडिथ को सच्चाई बताने में एकदम अच्छा नहीं लगता उसको। मीन वाइल एडिथ कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम द होम सिकनेस। स्टिल द एडिथ वॉज फीलिंग द होम सिकनेस एंड सी इज मिसिंग द हिज हर होम एंड हर मदर। वेन 2 days रिमेन बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, जब मंथ खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं, सी नोटिस अ बॉय पेंटिंग द रूफ ऑफ द शेड्स इन द गार्डन नेक्स्ट डोर वाइल सी वॉज क्लीनिंग द विंडो। जब वह खिड़कियां साफ करती हैं तो एक
उसकी नजरें एक लड़के पे पड़ती हैं, ओके, एंड ही वॉज पेंटिंग द रूफ ऑफ द शेड्स इन द गार्डन, ओके, व्हेन ही नोटिस हर ही ग्रिन्ड एंड वेव एट हर, सी टू वेव्ड बैक एट हिम। जब वो लड़का देखता है तो एक स्माइल एक्सप्रेस करता है, ओके, एंड एडिथ आल्सो रिस्पोंडेड टू हिम। व्हेन ही नोटिस हर ही ग्रिंड, सॉरी, सी रैन डाउन स्टेयर एंड टोल्ड मिसेज डिक ऑल अबाउट द बॉय सी सा। मिसेज डिक कैम अप स्टेयर विद द एडिथ टू सी फॉर हर सेल्फ। जो एडिथ है दौड़ कर अपने सीढ़ियों से नीचे आती हैं और मिसेस डिक को उस लड़के के बारे में सारा कुछ बताती है, ओके। नाउ द मिसेस डिक आल्सो वांटेड टू सी दैट गाय, ओके, मिस सो द मिसेस डिक जो हैं दौड़ कर ऊपर जाती हैं और उस लड़के को देखती हैं। सी टू लाइक द बॉय, दोनों बहुत पसंद करते हैं उस लड़के को। नाउ एडिथ डिसाइडेड टू स्टे एट द हाउस होपिंग टू मीट हिम समडे। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक एडिथ होम सिक फेल फील कर रही थी, ओके। नाउ सी वांटेड टू स्टे देयर ओनली, डू यू नो व्हाई? इन होप टू मीट विद हिम समडे, ओके, मीन्स कभी ना कभी वो उस लड़के से मिलेगी, इस होप में वो वहाँ रहना चाहती थी, ओके। सून अ नोट कैम टू हर एड्रेस एज ए मिसेज एडिथ, इट वॉज फ्रॉम द फ्रेडी द नाइस बॉय सी हैड सीन अर्लियर, ओके। मीन्स एडिथ स्टार्टेड फीलिंग समथिंग स्पेशल फॉर समवन, ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट द फ्रेडी दैट बॉय, ओके, एंड द नाइस बॉय सी हैड सीन अर्लियर। उसने एडिथ ने ऐसे इतना हैंडसम लड़का पहली बार देखी थी। ही हैड फ्रॉम आस्क हर आउट इन द इवनिंग एंड वॉन्टेड टू टेक हर टू द पिक्चर, ओके, आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विथ हर सी दैट बॉय आस्क हर, ओके, एडिथ से पूछता है कहीं बाहर घूमने जाने शाम में या मूवी जाने के लिए, ओके। नाउ द मिसेज डिक एग्री टू लेट हर गो बट एडवाइज हर टू नो मोर अबाउट हिम। मिसेज डिक जो होती हैं, मीन्स एडिथ जो है बहुत ही व्हाट आई कैन से, मीन्स सी इज वेरी गुड इन द बिहेवियर एंड सी इज वेरी सिंसियर, ओके, सिंसियर होती हैं। तो मिसेस डिक से परमिशन लेकर वो उस लड़के के साथ बाहर जाना चाहती है, तो मिसेस डिक वॉज एग्री, ओके, वो एग्री होती है मिसेस डिक एंड उन्हें परमिशन देती हैं जाने के लिए बाहर, ओके, बट उन्हें समझाती हैं कि उस लड़के के बारे में तुम ज्यादा जानने की कोशिश करना। लेटर व्हेन द बच्चर बॉय केम टू देयर हाउस इट इज इंक्वायर फ्रॉम हिम अबाउट अ पर्सन कॉल्ड द फ्रेड कार्टर, ओके। जब मोहल्ले के कुछ लड़के एडिथ के घर में आते हैं, मिसेस डिस्क के घर में आते हैं, तो उन लड़कों से एडिथ इंक्वायरी करती हैं और पूछती हैं फ्रेड कार्टर के बारे में। बट ही एडमिटेड ही न्यू ऑफ अनदर फ्रेड बैंस, द बॉय वॉज द पेंटिंग द सेट्स नेक्स्ट डोर, ओके। लेकिन लड़कों एडमिट करते हैं कि हाँ हम लोग जानते तो हैं लेकिन फ्रेड कार्टर नहीं, फ्रेड बैंस के बारे में जानते हैं। इवेंचुअली द वन एडिथ वॉज लुकिंग फॉर, ओके, या जिसकी तलाश होती है एडिथ को, उसी के बारे में तो जानते हैं छोटे बच्चे, बैंस, ओके। पीपल न्यू हिम आफ्टर हिज स्टेप फादर नेम बैंस बट ही वॉज द फ्रेड कार्टर इन द रियलिटी, ओके। जो 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 फ्रेडी है, फ्रेड कार्टर को जो है जो जिसका नाम है वो वही फ्रेड बैंस होता है, लेकिन उस जो वहाँ के लोग होते हैं उसके पापा उसके सौतेले पापा के नाम से जानते हैं, बैंस उनके नाम होता है, इसलिए फ्रेड बैंस उनको फ्रेड बैंस उसका नाम होता है, ओके। नाउ द मिसेज डिक वांट नॉट टू बी फोर्थ कमिंग विद द गाय इन द फर्स्ट डेट इटसेल्फ, ओके,
मिसेस डिक जो होती हैं उन्हें एडिथ को वार्न करती हैं कि बहुत जल्दी नहीं करना, इट्स योर फर्स्ट डेट. ओके, नाउ हाउएवर फ्रेडी फ्रेडी टर्न अप क्वाइट लेट विच स्केयर एडिथ इमेंसली. जब फर्स्ट डेट पे दोनों जाते हैं तो फ्रेडी जो है थोड़ा लेट आता है, तो एडिथ बहुत ही स्केयर इमेंसली हो जाती है. ओके, मीन्स बहुत ही डर जाती है. बट दे वेंट फॉर द पिक्चर एंड हैड अ लवली टाइम टुगेदर. ओके, लेकिन वे दोनों मूवीज के लिए बाहर जाते हैं और कुछ वक्त साथ में बिताते हैं. देन ही बिगेन मूवीज सॉरी देन ही बिगेन गोइंग टू द हाउस क्वाइट फ्रिक्वेंटली. एवरीबॉडी लाइक हिम. अब जो जो फ्रेडी है हमेशा एडिथ के घर में आया करता है और सारे लोग पसंद भी करते हैं. देन वन इवनिंग मिसेज डी कैम रनिंग डाउन फ्रॉम हर रूम स्क्रीमिंग मर्डर. एक समय ऐसा होता है कि मिसेस डिक अपने अपने रूम से चीखती चिल्लाती नीचे भागती हैं. मर्डर मर्डर. शी वॉज स्केयर दैट सम मैन हैड बैग इन हर रूम. उन्हें डर होता है कि कोई आदमी उनके कमरे में जबरदस्ती घुस आया है. दे रैन अप स्टेयर. सारे लोग ऊपर जाते हैं. फ्रेडी ग्रैब एट द ट्रेस पास ओनली टू फाइंड द मेजर. तो पाते हैं वहाँ फ्रेडी होता है एंड ही इज ऑल्सो फाइंड द मेजर. ही हैड गॉट इन थ्रू द विंडो टू टेक हर सरप्राइज सिंस ही कुड नॉट इंटर द रूम थ्रू द डोर. सो जो जो लड़का लड़का होता है फ्रेडी, तो फ्रेडी दरवाजे से नहीं घुसकर वो खिड़कियों से रूम के अंदर आता है. और ऐसा इसलिए करता है मीन्स ही वांटेड टू मेक द सरप्राइज. ओके, टू दैट गर्ल द एडिथ एंड द मिसेज डिक को भी सरप्राइज करना चाहता है, इसलिए वो दरवाजे से नहीं खिड़की से घुसकर अंदर आता है. ही वॉज स्टार्टेड एट हैविंग द बीन कॉज्ड. जैसे ही वो घुसता है अंदर तो वो पकड़ा जाता है. ओके, इट वॉज अ क्वाइट एन अम्यूजिंग सीन फॉर द फ्रेडी एंड द एडिथ. और ये बहुत इंटरटेनिंग सीन होता है और बहुत ही अम्यूजिंग सीन होता है फ्रेडी और एडिथ के लिए. ओके, नाउ सून आफ्टर दैट इंसिडेंट एडिथ गॉट मैरिड टू द फ्रेडी. इस घटना के बाद एडिथ का मैरिज फ्रेडी के साथ हो जाता है. सी वॉज सॉरी टू लीव मिसेज डिक. द फीलिंग्स वॉज म्यूचुअल एज मिसेज डिक कुड नॉट हाइड हर टीयर्स. जो मिसेज डिक हैं तो और एडिथ है, तो एडिथ और मिसेज डिक के बीच बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप होता है, लाइक द चिल्ड्रेंस एंड द मदर. ओके, सो मिसेज डिक जो है अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हैं एंड ही कुड नॉट हाइड हर टीयर्स. ओके, बट एडिथ रिमेंबर हर ऑल द टाइम्स अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड द मेजर ट्रम्बुल. ओके, एडिथ भी अपनी यादों में मिसेस डिक और उनके पति मेजर ट्रम्बुल को हमेशा के लिए याद रखती है. सो दिस इट्स ऑल अबाउट द लास्ट ऑफ द स्टोरी. आई होप यू इंजॉय वेरी मच. ओके Friends, if you like this video, then please do like and subscribe my channel, and don't forget to share it with your friends. Keep watching. Thanks.